पटना हाई कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। नियोजित शिक्षकों की याचिका पर हाई कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन की उनकी मांग को सही माना है। अदालत ने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन को लागू करना होगा। वहीं राज्य सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। माध्यम से मिली है, मैं तो पटना से बाहर हूँ, लेकिन मैं इस संबंध में कहीं कहूंगा कि जो फैसला आया है उसकी कॉपी उपलब्ध नहीं हुई है, कॉपी उपलब्ध हो जाएगी, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और अधिकारियों के स्तर पर इस पर विचार विमर्श करके अगर आवश्यक हुआ तो हम उसके फैसले के अगेंस्ट में हम आगे कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अभी फैसले को पहले हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे क्या है, क्या करना चाहिए, इसके बाद इस पर। शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पहले कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट के फैसले पर अगर नीतीश सरकार अमल करती है तो तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं सरकार पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए का सालाना भार पड़ेगा। अब हाई कोर्ट के फैसले पर नीतीश सरकार का स्टैंड क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए औरंगाबाद से प्रियदर्शी की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।